हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सपेरिमेंट एकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डीवीडी प्लेयर का और एक वीडियो में लेके आ गया है, और इस वीडियो में हम ऑक्स केबल लगा के नहीं दिखाएंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑक्स केबल लगा के दिखाया था आप लोगों को किस तरह से इसको आप बजा सकते हो। इस डीवीडी प्लेयर में हम ब्लूटूथ का कनेक्शन करेंगे, सीडी प्लेयर को हटा के और ब्लूटूथ का कनेक्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और फटाफट से हम डीवीडी प्लेयर को निकाल देते हैं। उसका सारे कनेक्शन हम खोल देंगे, ये निकाल के साइड में रख देंगे। मेरे पास दो टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल है, एक चिप जैसा है, उसमें खाली आप ब्लूटूथ का ही कनेक्शन कर सकते हो, बाकी कुछ उसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप खाली ब्लूटूथ कनेक्ट ही कर सकते हो। दूसरा जो है, डिस्प्ले के साथ साथ आपको यूएसबी, ऑक्स और मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप सारे सब कुछ वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, और उसको हम आगे बिठाएंगे। इसमें रिमोट ऑप्शन के साथ साथ आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन भी मिल जाएगा। तो इसका मेजरमेंट करके यहाँ पर हम काट लेंगे, जहाँ पर सीडी प्लेयर लगा हुआ था वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग तो हमने कर लिया है, और लगा के देखेंगे सही से बैठ रहा है या नहीं। बहुत ही बढ़िया बैठ रहा है। और फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन फटाफट कर लेते हैं। जो ब्लू कलर का है वो ग्राउंड है, बाकी दोनों लेफ्ट राइट है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। आपको यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट देना है, और ग्राउंड लिखा रहेगा आप वहाँ पर ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करिए, और VCC लिखा रहेगा आप वहाँ पर रेड वाला वायर कनेक्ट करिए, मतलब ब्लैक वाला नेगेटिव, रेड वाला पॉजिटिव। वहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट देना है, और इसको ग्लू से हम चिपका देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीवीडी प्लेयर का जो फ्रंट साइड में लगा हुआ रहता है उसको हमने निकाल लिया है, और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साइड में जो खाली आपको दिख रहा है वहाँ पे हम लगाएंगे, इसलिए उसका मेजरमेंट करके लिया है, और काट लेंगे इसको फटाफट आरी की मदद से। और ये दोनों को हम यहाँ पर चिपका देंगे ताकि वो अंदर के तरफ खुला ना दिखे, इसलिए सुपर ग्लू से हमने चिपका लिया है उसको। फ्रेंड्स, अभी ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करेंगे। ब्लू कलर ग्राउंड और बाकी दोनों लेफ्ट राइट है, और ये ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हो ये ग्राउंड है, ये दोनों लेफ्ट राइट इनपुट वहां पे करना है। ये देखिए बोर्ड का इनपुट है, यहाँ से वॉल्यूम से ओके बोर्ड पे गया है, तो हमें कनेक्शन करना है ग्राउंड वाला ब्लैक में, और बाकी जो दो ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है वहाँ पे लेफ्ट राइट का कनेक्शन करना है। कौन सा भी कर दीजिए लेफ्ट राइट का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों कर दिया वहाँ पे कनेक्शन, और पिछले वीडियो में भी हमने ऑक्स केबल लगा के दिखाया था, सेम कनेक्शन है। हमें 5 वोल्ट इनपुट देना है ब्लूटूथ मॉड्यूल में। हमें 5 वोल्ट कहाँ से मिलेगा आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो 3 ग्राउंड लाइन में लिखा हुआ है, और 5 वोल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो वहाँ से हमें एक ग्राउंड लेना है और एक 5 वोल्ट पॉजिटिव लेना है, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन करना है ग्राउंड का, यहाँ पे कनेक्शन करना है 5 वोल्ट पॉजिटिव का। हमने कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हो। बहुत से बोर्ड ऐसा रहता है कि उसमें 5 वोल्ट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो तभी क्या करना है आपको, 7805 का एक रेगुलेटर IC लगा के आपको 5 वोल्ट स्टेप डाउन करके ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्शन करना है। तो अभी आपको चेक करके दिखाते हैं हम डिस्प्ले का लाइट किस तरह से आप ग्लो कर रहे हैं। ये देखिए ऑन हो गया, BT लिखा हुआ है आ रहा है, तो फटाफट इसको बंद कर लेते हैं।
फाइनली सारे कनेक्शन हो चुका है, अभी आपको साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, कोई फेक वीडियो नहीं है, फुल रियल वीडियो है ये। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सी यू टू माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।